टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हमने आपको मुमरा बाईपास की एक खबर दिखाई थी जिसमें ट्रक ड्राइवर से लूटपाट और मारपीट किया जा रहा था। इस लूटपाट मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने शहबाज नाम के एक आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। इस लूटपाट की वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हो रही है। वीडियो के अनुसार और ट्रक ड्राइवर के बयान और गिरफ्तार किए गए आरोपी के बयान के आधार पर मुमरा पुलिस ने 3 और आरोपियों को मुमरा से गिरफ्तार किया है। मुमरा डिटेक्शन ब्रांच के संतोष उगल मुगले की टीम ने मुमरा बाईपास पर लूटपाट करने के मामले में पंकज जाधव गंगाराम 27 वर्षीय, शफीक यूनुस शेख 23 वर्षीय, सुहेल रज्जाक शेख 21 वर्षीय को पकड़ा है। हालांकि इसके दोस्तों का कहना है कि ये तीनों वहां बीच बचाव करने के लिए गए थे, मारपीट में ये तीनों शामिल नहीं हैं। मगर इस पूरे मामले में पुलिस को जो भी बयान और सबूत मिले हैं उनके आधार पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन पर 395, 341, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इन्हें आज कोर्ट में भी पेश किया गया है। मुमरा बाईपास पर जिस तरह से लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, खास तौर पर ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, वहीं जिस तरह से नया मामला सामने आया था, इस नए मामले में लूटपाट के अब तक कुल 4 आरोपियों को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।